बुलंदशहर में साइबर सेल के अनुसार वादी लोथीराम पुत्र गंगा सहाय निवासी लाडपुर थाना बीबी नगर जनपद बुलंदशहर ने थाना साइबर क्राइम पर तहरीर दी कि उसके बैंक खाते से अज्ञात व्यक्ति द्वारा क्लोन चेक के माध्यम से 15,39,500 रुपये तथा UPI के माध्यम से 1,08,773 रुपये की ठगी की गई है। इस संबंध में थाना साइबर क्राइम पर मुकदमा IT एक्ट पंजीकृत किया गया है। इस क्रम में थाना साइबर क्राइम पुलिस द्वारा मालागढ़ को जाने वाले रास्ते पर स्थित रेलवे लाइन के नीचे बने पुल के पास से 10 अभियुक्तों को मारुति सुजुकी XL6 गाड़ी सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त शाह आलम व उरुज आलम उर्फ आशु जनपद मुजफ्फरनगर के थाना खतौली में पंजीकृत भादवी में लगातार वांछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी पर 15,15,000 रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया था। अभियुक्तों की गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में साइबर क्राइम थाने पर अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। ये थाना साइबर बुलंदशहर द्वारा एक संगठित साइबर गिरोह जिसके 10 सदस्यों को आज गिरफ्तार किया गया है। प्रकरण ये था कि एक व्यक्ति जिनका एक बैंक में अकाउंट है, उनके अकाउंट से पैसे निकल जाते हैं चेक के माध्यम से, और वो चेक उनके पास ही था ओरिजिनल, और फिर भी बैंक से वो पैसे निकल गए और इनके पास ना कोई मैसेज आया ना कुछ। और उसके बाद जब इन्होंने एक दिन अपना पासबुक अपडेट कराया तो इनकी जानकारी में आता है कि इनके खाते से लगभग 15,00,000 रुपये निकल चुके हैं। इस घटना की जानकारी इनके द्वारा साइबर थाने पर दी गई और तत्क्रम में साइबर थाने की पुलिस इसके विवेचना और अनावरण में लग गई, जिसके क्रम में आज कुल 10 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इनसे पूछताछ में ये बात प्रकाश में आई कि ये एक गिरोह के रूप में काम करते हैं जिसमें हर एक ग्रुप ऑफ पीपल का एक अलग अलग काम रहता है। इसमें कुछ लोग डेटा थेफ्ट में इन्वॉल्व हैं, जो कि बैंक से या अन्य फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में जो भी KYC का डेटा भरा जाता है उसको बेचते हैं। कुछ लोग सर्विस प्रोवाइडर के इन्वॉल्व हैं, जो कि एक व्यक्ति को मृत दिखाते हुए उसके सिम को किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पे इशू करवा देते हैं, ताकि जब भी OTP आए या बैंक से कोई रिकन्सिलिएशन मैसेज या कॉल आए तो उसमें वो व्यक्ति अपने आप को ओरिजिनल व्यक्ति के रूप में दर्शाते हुए उस कॉल को वेरीफाई कर सके। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।